नमस्कार, घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि इस देश की राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ चली गई है। जिस देश में करोड़ों लोग आज भी दो समय का भोजन नहीं पाते हैं, जिस देश में करोड़ों लाखों लोग अब तक इलाज के अभाव में मर चुके हैं, या जिस देश में बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती हो, उस देश में सबसे बड़ा चुनाव यानी लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है, लोकसभा चुनाव जिसके कारण देश की दशा और दिशा तय होने वाली है, उसके पहले राजनेताओं ने इस देश को आखिर कहाँ ले जाकर छोड़ दिया है। जिस देश में बात यह होना चाहिए थी कि क्या विकास हुआ और क्या विकास होना बाकी है, उस देश में अब यह बात चलती है कि हमने पुलवामा हमले का बदला किस तरह से लिया, उस हमले का बदला लेने के बाद उसका राजनीतिकरण कैसे किया, और उसके बाद जब वो मुद्दा ज्यादा नहीं चल पाया तो फिर चौकीदार जैसे शब्द पर पूरे देश की राजनीति आकर खड़ी हो गई है। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, आप सोचिए कि एक शब्द को लेकर लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग कोई राजनीतिक दल कर रहा है। यह शर्मनाक बात है कि जिस देश में कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, तो कभी गरीबों के नाम पर, तो कभी किसानों के नाम पर चुनाव होते हैं, तो कभी चौकीदार के नाम पर भी चुनाव होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये चौकीदार वाला मामला भी आखिर कितना फुस्सीभम है। वो इसलिए कि पिछले एक हफ्ते से ये चौकीदार बनने की जो बात चल पड़ी है, और हर कोई नरेंद्र मोदी को कॉपी करना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। जी हां, चौकीदार शब्द सुनकर सबसे पहले हमारे जहन में यह सवाल आता है कि जो पुलिस जवान या सेना पर खड़े हमारे सैनिक सबसे बड़े चौकीदार हैं, जो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं और जिनके कारण हम सुरक्षित घूम पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन चौकीदार शब्द की भी व्याख्या इतनी गलत तरीके से कर दी गई कि जो वास्तव में चौकीदार हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारे नाम को लेकर देश में गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है। जब से ये चला है कि मैं भी चौकीदार हूं, तब से मैंने कई लोगों से अलग अलग फोरम पर बात की। मैंने अपने एक पुराने मित्र को देखा कि फेसबुक पर उसने भी लिख दिया कि मैं चौकीदार हूं। मैंने उससे मजाकिए लहजे में फेसबुक पर कमेंट्स किया कि मेरे घर का चौकीदार छुट्टी पर है, क्या आप एक हफ्ते तक मेरे घर की चौकीदारी करने आ सकते हो। तो नाराज हो गया, और उसके बाद उसने जो फेसबुक पर पोस्ट डाली थी वो डिलीट कर दी। उसके बाद मैं एक सार्वजनिक समारोह में पहुंचा, वहां पर भी चौकीदार की बात चल रही थी। मैंने वहां जाकर पूछा कि आप में से कौन कौन चौकीदार हैं। 3-4 साथियों ने कहा कि हम चौकीदार हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि चौकीदार का मतलब क्या है। तो चौकीदार का मतलब उनको नहीं पता था, और जो जानकारी दे रहे थे वो उल्टी सीधी जानकारी थी, क्योंकि चौकीदार का मतलब ये हुआ कि यदि अब देश का चौकीदार यदि कोई बन गया है, तो क्या इसके पहले हिंदुस्तान में कोई चौकीदार नहीं थे? क्या इसके पहले कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके अंधे भक्त समर्थक चौकीदार बन जाएंगे, तो क्या देश में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार ये सब बंद हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। जिस देश में लोकतंत्र के बात को लेकर बड़े बड़े सबूत दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि हमारे देश का लोकतंत्र
सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या वह ये वही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं? क्या देश का सबसे बड़ा आम चुनाव एक चौकीदार के मुद्दे पर होना चाहिए? कहां गए वो सारे मुद्दे? क्या हुआ नोटबंदी का? क्या हुआ जीएसटी का? क्या हुआ 5 साल पहले जारी किए गए उस घोषणा पत्र का? और क्या हुआ उस वादे का जिसमें कहा गया था कि विदेशों से काला धन लाकर हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जमा कर देंगे? ये सारी बातें चुनावी जुमले उस समय भी लग रही थी और आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि प्रधानमंत्री भी अपने काम को लेकर वोट नहीं लेना चाहते, अपने काम को लेकर लोगों का विश्वास नहीं जीतना चाहते। और देखिए, उससे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की स्थिति तो उससे ज्यादा खराब है। राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी दोनों मैदान में हैं, लेकिन दोनों की दिशा का पता नहीं। ऐसा लगता है कि उनके रणनीतिकार भी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या राहुल और प्रियंका खुद समझने को तैयार नहीं है। मायावती हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो या शरद यादव हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या बाकी सारे दल हो, वो सारे दल भी एक जाजम पर आने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सबके अपने एजेंडे हैं। किसी की भी पार्टी की ये गाइडलाइन नहीं है कि देश में सबसे अच्छा बेहतर इलाज आम जनता का हो सके और वो भी कम पैसे में हो। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि लोगों को रोजगार मिल जाए, किसी को इस बात की भी चिंता नहीं कि लोगों को दोनों समय भरपेट भोजन मिल जाए। लेकिन ये देश जुमलों का है, ये देश में हमेशा राजनेता लोगों की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। ये चुनाव के समय यदि ये कहा जाए तो बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी कि ये जुमलों के जरिए शारीरिक नहीं मानसिक बलात्कार की जो स्थिति बन रही है, जो लोगों को भुलावा देने की कोशिश की जा रही है, इस बात को आखिर इस देश की जनता कब समझेगी? क्योंकि यह देश इस स्थिति में नहीं है कि चौकीदार जैसे एक शब्द पर यह चुनाव लड़ा जाए। ये देश इस जनता के भरोसे ही चल रहा है। राजनेता आखिर कब इस देश के आम जनता की सीधी बात को समझ पाएंगे या उनके लिए काम करेंगे, यह हम सब के लिए सोचने का विषय है। आने वाले समय में आपके इलाके में आपको वोट देने जाना है। आप ये वोट जाकर देखिए कि वहां पर आप जब वोट डाल रहे हैं तो आप किसको वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। आप दीजिए अपने विवेक से वोट, हम आपको जगाते रहेंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए घमासान.com। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।